नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नवयुग क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य और शैक्षिक परिदृश्य में टॉपिक रहेगा संप्रेषण। संप्रेषण क्या है बच्चों? संप्रेषण का मतलब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं जो बातें बोल रहा हूं तो आप उन बातों को उसी भाव के साथ ग्रहण कर रहे हैं, वो ही संप्रेषण है। जैसे एक वाक्य है, कान्हा जी अपनी माता को कहते हैं, मैया मोहे माखन ना खायो। क्या बोलते हैं बेटा कि मैया मोहे माखन ना खायो, लेकिन माता जी को क्या सुनता है? मैया मोहे माखन खायो। तो माता जी को सुनता है कि मैया मैंने माखन खाया है। तो उसमें क्या हुआ, कान्हा जी तो कहना चाहते थे कि माखन है मैंने नहीं खाया है माता जी, लेकिन माता जी को सुन गया कि माखन मैंने ही खाया है। तो वो सही सुना या गलत, जो कहना चाहते थे कान्हा जी वो माता जी को नहीं सुना, तो इसका मतलब वो संप्रेषण नहीं हुआ। अगर माता जी एज टू एज जो कहना चाहते थे कि मैया मोहे माखन खायो, वो सेम का सेम अगर माता जी सुन लेती तो वो क्या था, संप्रेषण। और उनके भाव समझ लेती तो वो था संप्रेषण। अगर उस भाव को नहीं समझ पाई, उस संवेग को नहीं समझ पाई, तो वो संप्रेषण नहीं है। तो संप्रेषण का मतलब है कि आपसी बातचीत मान सकती हो, संदेश मान सकती हो, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश या डाटा को पहुंचाना ही संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है, आपसी बातचीत या डाटा व्यवहार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना ही संप्रेषण है। तो साथियों, बात ये भी बनती है, संप्रेषण शब्द आया कहाँ से और कैसे बना, किस भाषा से बना। तो संप्रेषण शब्द है उसके संबंध में प्रारंभिक जानकारी लेते हैं। देखो, संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लगभग बच्चे जानते हैं, संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा, कम्युनिकेशन। इंग्लिश में संप्रेषण को कम्युनिकेशन तो कहते हैं, है ना, संप्रेषण को कम्युनिकेशन तो कहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन शब्द किससे बना है बताओ? कम्युनिकेशन कम्यूज, कम्यूज इस शब्द से बना है, कम्यूज से, ठीक है, याद रख लेना। सी O डबल M U N I S, कम्यूज। तो याद रखने के लिए संप्रेषण, संप्रेषण हिंदी का शब्द है, इंग्लिश से कम्युनिकेशन से बना है। कम्युनिकेशन किस शब्द से बना है? कम्यूज शब्द से बना है। लेकिन ये किस भाषा का शब्द है बताइए? ये लैटिन भाषा का शब्द है। याद रखने के लिए सीधा याद रखो, कम्युनिकेशन में देखो ये टी है ना, टी टी ले टी न ले टी न ले टी न, ये देखो लैटिन। कम्युनिकेशन क्या है? लैटिन भाषा का शब्द। और लैटिन भाषा के इस कम्युनिकेशन के कम्यूज शब्द का अर्थ क्या है? सामान्य या कॉमन। क्या है इसका अर्थ कम्यूज का? सामान्य या कॉमन। तो सामान्य अर्थों में संप्रेषण या कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डाटा या संदेश को पहुंचाना ही संप्रेषण है। तो अब आपको समझ में आ गया संप्रेषण है क्या, ये किस शब्द से बना है, किस भाषा का। तो एक बार रिवाइज कीजिए, संप्रेषण इंग्लिश से कम्युनिकेशन से बना है, कम्युनिकेशन शब्द कम्यूज शब्द से बना है, कम्यूज शब्द का अर्थ होता है सामान्य या कॉमन, और इस किस भाषा का शब्द है कम्युनिकेशन, लैटिन। याद रखने के लिए वो टी को पकड़ो वहां से, और लैटिन टिन टिन लैटिन भाषा से। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे चलते हैं। जैसे कि बार बार ये होता है कि संप्रेषण बातचीत कर रहे हैं और आपके कुछ समझ में नहीं आया, तो वो संप्रेषण हुआ क्या? नहीं हुआ। तो देखो, कभी आप शायरी में तो आप सभी का इंटरेस्ट है ही, है ना। तो देखो, मैंने जैसे एक शायरी कही कि इंच इंच कट जाऊं बोटी बोटी बट जाऊं, इंच इंच कट जाऊं बोटी बोटी बट जाऊं, लाडला ना माँ तेरी दूध को ले जाएगा, या तो तिरंगा लपेट कर घर आऊंगा माँ, या ये तिरंगा सीमा पार ठहरेगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक वीरस की कविता है और माता
और पुत्र के बीच जो सीमा पर जा रहा उसके बीच समाप्त हो रहा है, और उसकी भावना को एज टू एज आप समझे तो वो संप्रेषण है, अगर नहीं समझे तो वो संप्रेषण नहीं है। तो संप्रेषण का मतलब ही है किसी भी संदेश या विचार या बातचीत को आप उसी भाव के साथ ग्रहण करो, वो ही संप्रेषण है। तो बच्चों आप ये तो समझ ही गई कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण है क्या, पर अब इसके बारे में और आगे की डिटेल लेते हैं। देखो इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें रखी हैं, जैसे केथ डेविसो नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, केथ डेविस। तो केथ डेविस क्या कहते हैं, केथ डेविस कहते हैं कि किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश या सूचना को पहुंचाना ही क्या है, संप्रेषण है। तो अब सोचो इसको याद रखने के लिए सीधा सिंपल मारवाड़ी में याद रखो, कैसे केत कवे है वा बात थार तक पहुंचनी चाहिए, यानी मैं कह रही हूँ वा बात थे समझो, बिन ही संप्रेषण कवे है। सीधी सिंपल केत कवे है बातें सुनो, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश या डाटा को पहुंचाना ही संप्रेषण है। तो केत को याद रखने के लिए मारवाड़ी में ऐसे याद रख लो। फिर एक और आते हैं एंडरसन। इसको याद रखने के लिए एक और सिंपल ट्रिक, ए को लीजिए यहाँ से और लिख दीजिए एक गद्यात्मक, क्या है भाई एक गद्यात्मक क्रिया है, क्या है एक गद्यात्मक क्रिया है। तो संप्रेषण क्या है, एक गद्यात्मक क्रिया है। के कहते हैं कि संदेश या विचार या डाटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण है। और एडर्सन क्या कहते हैं, एक गत्यात्मक व्यवस्था। तो दोनों ही वैज्ञानिक याद हो गए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा संप्रेषण, जो मैंने कहा आपने सुना उसी भाव के साथ सुना तो वो संप्रेषण है। और उसके बाद में संप्रेषण शब्द किससे बना है, संप्रेषण इंग्लिश के कम्युनिकेशन से बना है। कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस शब्द से बना है जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य, इतना समझ में आ गया होगा। तो एक और बात याद रखिए कि संप्रेषण तो हो गया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बात रख दी, पर संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता तो होगी, कोई भी वस्तु या पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है तो उसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता इसलिए है जब संप्रेषण होगा या संप्रेषण नहीं होगा, मान लो कि संप्रेषण नहीं हो रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाऊंगा कैसे, आप तक मेरे विचार मेरी भावनाएं पहुँचाऊंगा कैसे, संप्रेषण आपसी बातचीत आपसी तालमेल नहीं होगी। तो संप्रेषण अच्छा संप्रेषण ही अच्छे बातचीत या अच्छे व्यवहार को जन्म देता है। तो अब आप संप्रेषण की प्रारंभिक जानकारियाँ ले चुके हैं। इस प्रकार हमने संप्रेषण की प्रारंभिक जानकारियां और एक हमारे बीच में एक संप्रेषण बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी अगला जो वीडियो आएगा उसमें संप्रेषण कंप्लीट हो जाएगा ना, उसमें कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये प्रारंभिक जानकारी और आपसी संप्रेषण बढ़ाने के लिए ये पहली क्लास थी, और अगली क्लास बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ कम्प्लीट संप्रेषण हो जाएगा। और पूरा ही शैक्षिक परिदृश्य आपको इसी यूट्यूब चैनल पर नवयुग क्लासेस पर मिलेगा। आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।